क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो, ये क्या हाथ के लगा है, चोट काई की है? मेरा नाम जोगाराम है, मेरी कंपनी का नाम गोरो ट्रेडिंग है। मैं बाड़मेर ऑयल फील्ड में इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का काम करता हूँ। मेरे साथ में 130-135 वर्कर काम कर रहे हैं। मैं 2015 से इस ऑयल फील्ड में इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का वर्क कर रहा हूँ। तो कुछ गुंडे लोग, मवाली लोग वहाँ पे इकट्ठा होकर मेरे से 10% कमीशन बेसिस पे हफ्ता मांग रहे हैं। आज से 20-25 दिन पहले मुझे धमकी दी थी कि मारूंगा, पीटूंगा, हफ्ता नहीं दिया तो। जो मेरे वर्कर हैं कंटिन्यू साइड पे जा रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ रुकवा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। परसों मॉर्निंग में मंगला वेलफेयर 19 पे मेरे वर्कर काम करने के लिए गए थे, वहाँ मेरा कंटिन्यू 3 महीने से काम चल रहा है। तो वहाँ पे कुछ लोग अशोक कुमार सिम्हाराम, ओम प्रकाश सिम्हाराम, लिखमाराम, कंवराराम, देवराज और खेताराम, ईशराराम, रमेश, मुकेश, ये सब वहाँ के लोग इकट्ठा होके, पन्नाराम, हरूराम, 20-25 लोग इकट्ठा होके आके मेरा काम रुकवाया है। तो मैंने जाके वहाँ पे बात की तो कोई बात उन्होंने की नहीं मेरे से। फिर मैं वहाँ से खड़ा था वहाँ पे, तो वहाँ पे मेरे वर्करों को डराया, धमकाया, टोटल मेरे पास में वीडियोस है। थोड़ी देर बाद में पुलिस आई वहाँ पे, तो पुलिस में एक निम्बाराम करके दत्तर वाले वो वहाँ पे आए। तो मैंने बोला साहब इनको, वर्करों को अंदर करवाओ, काम चालू करना है मुझे। तो निम्बाराम ने बोला कि बैठ के आप अपना पहले इन गुंडों से बात करके समझौता करो, उसके बाद में आगे की कानून कार्रवाई की जाएगी। फिर मैं वहाँ से स्टाफ लेके एप्लीकेशन लेके नगाना थाना गया, तो वहाँ पे पूरे दिन SSO साहब थे नहीं, कोई कार्रवाई हुई नहीं। मेरे वर्कर्स वहाँ बाहर बैठे रहे थाना के आगे, उसके भी मेरे पास में फोटो और वीडियोज़ है। उसके बाद में दूसरे दिन वापस मैं नगाना थाना गया, तो कल मॉर्निंग में मेरा काम वापस वहाँ स्टार्ट करवाया। फिर मैं SP साहब से कल 3 बजे पेश हुआ, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम कार्रवाई करेंगे। बट आज मॉर्निंग में मेरे वर्कर साइड पे गए, उस टाइम में खेताराम करके एक लड़का उससे लेके आया, फिर रुकवाया, तब पुलिस वाली गाड़ी आई, वो वहाँ से भाग गया और उसके बाद में काम चालू हो गया। फिर मैं और ये भोमाराम जी शिवम से हैं, हम दोनों वापस मेरे यार्ड से कवा से वापस साइड की तरफ जा रहे थे, तो मंगला वेलफेयर से पहले मेरे साथ में मारपीट हुई और मेरा हाथ तोड़ दिया। उसके पास में पिस्तौलें थी और सरिये थे, लाठी थी, और इसकी साजिश पूरी है। जो रिमोटिंग कर रहा है गणेश कुमार GP मैकेनिकल से है, वो मैकेनिकल कॉन्टेक्टर है ऑलरेडी, वो हिस्ट्री शीटर है, हार्डकोर अपराधी है, और उसकी गैंग है पहले से ऑलरेडी पॉइजन गैंग, जो आज से 4-5 साल पहले कैन ऑयल फील्ड में दहशत फैला के रखी थी, वही काम वापस इन लोगों ने शुरू किया है। और मैं इनसे परेशान हूँ, SP साहब से भी मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरा काम जो भी मैं कर रहा हूँ लीगल काम है, मेरे वर्क ऑर्डर है, और मेरी सहायता करके। और कुछ लोग वहाँ पे ऐसे ही टेंट लगा के बैठे हैं, टेंट तो धरने के नाम से है, उसमें सब गुंडे बैठे हैं और सब लोगों को डरा रहे। मेरे वर्करों को बोल रहे कि तुम GTC को छोड़ के, गोरो ट्रेडिंग को छोड़ के GP को ज्वाइन कर लो। तो मेरे वर्करों ने जाने से इनकार कर दिया। और इसमें राजू करके एक और खोत है यहाँ का भुटिया का, वो भी हार्डकोर अपराधी है, NDF से FIR है ऑलरेडी, तो उसके खिलाफ़ भी बहुत सारे मुकदमे पेंडिंग है, वो भी बोल रहा है हफ्ता दो मुझे। ये सब गैंग की रिमोटिंग गणेश कर रहा है और पूरी कंपनी को परेशान कर रहा है। जो कंपनी उसको काम दे देती है तो कुछ नहीं कहता है, मेरे से हफ्ता मांग रहा है, मैंने देने से इनकार कर दिया। और कल वो लोग और भी मेरे स्टाफ को रुके हैं, मेरे टोटल स्लाइड्स के वीडियो और फोटोज़ भी मेरे पास में है। इसमें अभी सुबह मारपीट की टाइम में लिखमाराम, कंवराराम, देवराज, खेताराम, अशोक, पन्नाराम, ये सब शामिल थे, और 5-6 लोग और थे जिसका मैं नाम नहीं जानता हूँ। 3 गाड़ी लेके आए थे और इसकी रिमोटिंग ज़्यादातर ओम प्रकाश धनवंतरी हॉस्पिटल है बाड़मेर वो, और गणेश पॉइजन गैंग है उसकी, पहले ऑयल फील्ड में ऑलरेडी पहले से वो हिस्ट्री शीटर है। ये सब लोगों ने मिलकर मेरे साथ में मारपीट की। ठीक है, धन्यवाद।